मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीक्षित, तुम्हें अपनी ऑफिस में देख के अच्छा लगा। खैर ये बताओ कि कामकाज कैसा चल रहा है? चल रहा है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है सर। गुड गुड, मन लगा के काम करो दीक्षित, तरक्की करोगे। दीक्षित, सिन्हास की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने तुम्हें दी थी वो शामिता के कैबिन में रखवा देना। ओके, आइए शामिता। हाँ, वो जो सिन्हा साहब की जो रिपोर्ट है, लेकिन गुना को देशन क्या? शोमित सर दोबारा कैसे ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं? इसका मतलब इन भाइयों ने फिर से हाथ मिला लिया। जगजीत सर और मैं तो कुछ और ही सोच रहे थे, लेकिन फिलहाल तो मुझे अपना सारा बना बनाया खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। मुझे अभी जगजीत सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बस जैसे अजय की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। सच कहूं तो भाभी, अजय में बहुत बदलाव आया है। देखो ना, पहले अजय किसी से बात ही नहीं करना चाहता था, अपने में ही खोया खोया रहता था। लेकिन अब देखो, आपके अपनाने के बाद उसकी दुनिया ही बदल गई। कितना खुश रहता है वो, और अपने बेटे की इस खुशी को खोने चली थी मैं। भाभी, उसकी खुशियां आप ही ने लताई है। वैसे सच पूछो तो अपनों का प्यार ही अजय की जिंदगी लौटा सकता है। अजय को दवाई की कोई जरूरत नहीं, बस हम सबका प्यार उसे मिल जाए, देख वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे भी आजकल उसकी तबीयत में काफी सुधार आ चुका है। अरे अच्छा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। जानती है मां, अपनी चोट का दर्द मिटाने के लिए अब मुझे दवाओं की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका साथ जो है मेरे साथ, मुझे कैसे तकलीफ हो सकती है। हाँ बेटा, मैं तेरे साथ हूं और हमेशा तेरे साथ रहूंगी। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आइए ना शामिता, प्लीज आइए। ये जगह आपकी है शामिता, और इस कुर्सी पर भी आप ही का हक है। आप बैठिए ना। अरे नहीं नहीं प्लीज शोहर, बैठिए बैठिए बैठिए। शामिता, आप यहां वापस आ गए इस बात की बहुत खुशी है मुझे। पता है ये कैबिन भी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वाकई में ऐसा लगता है जैसे हर चीज में जान आ गई हो। मेरे भाई, मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया, बहुत बहुत मिस किया सच में। शोभिता, आप वापस आ गए, वाकई बहुत खुशी है मुझे, आपने मुझे माफ कर दिया। शोभिता, जो राज आप जानना चाहते थे
मैं आपसे वादा करता हूं बहुत जल्द वो राज मैं खुद आपको बताऊंगा, लेकिन प्लीज तब तक आपको अपने छोटे भाई पे भरोसा करना पड़ेगा। ओके अरे भरोसा तो है तुझ पर शौर्य, खुद पर से ज्यादा तुझ पर भरोसा है, पर क्या करूं यार, बड़ा भाई हूं तुम्हारा, फिक्र तो लगी रहती है, अब गलत रास्ते पर तो देख नहीं सकता ना तुम्हें जाते हुए, इसीलिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा हूं। आई होप सो, और अगर ऐसा है तो फिर मुझसे ज्यादा खुश तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। शोमिता बैठिए। अरे बैठे बैठे बैठे, मैं आपके लिए एक चाय ऑर्डर करता हूँ अच्छे से, शक्कर, आई नो, वन स्पून शुगर एंड मसाले वाली, यस एब्सोल्युटली, मैं भी ऑर्डर करता हूँ। ओके ठीक, शोमिता एक बात कहूँ आपसे? हाँ कहो। आपकी छोटी से छोटी बात का ख्याल है मुझे और इतनी बड़ी बात भूल गया मैं, शामिता, I am sorry. Once again, I'm really very sorry. नहीं शामिता, अरे पागल, तुमने तो हमेशा मुझे अपना भाई ही माना है, अपना दोस्त माना है, और जो कुछ भी तुमने किया या कहा वो तुम थोड़ी कह रहे थे पागल, वो तो तुम्हारे मन की उलझन कह रही थी, इसीलिए अपने आप को किसी भी बात का दोषी मत मानो, समझे? वो कहते हैं ना कि जिन लोगों को ज्यादा फिक्र होती है उन्हीं से कभी कभार थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है और कुछ नहीं, इसीलिए मेरे भाई अपने आप को पश्चाताप की आग में मत डालो, मैं तो हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ शौर्य, हमेशा खुश, हमेशा मुस्कुराते हुए, और मैं चाहूंगा कि ये मुस्कुराहट हमेशा तुम्हारे चेहरे पर यूं ही खिलती रहे। यस यस यस, ये हुई ना, दैट्स लाइक माय ब्रदर। शामिता मैं खुद चाय का ऑर्डर लेके आता हूँ। अरे हाँ जल्दी करो, और आज हम दोनों भाई यहाँ साथ में बैठ के चाय पियेंगे। बिल्कुल। ओके मैं भी आया, जल्दी जल्दी। रह गई है जगजीत सर, कहाँ रह गए, इतनी बड़ी बात हो गई है। सर सर कहाँ थे आप? दीक्षित क्या आप बेवकूफ हो जैसा सवाल पूछ रहे, तुम कहाँ होऊंगा मैं, रोज की तरह घर से ही आ रहा हूँ। सर आपको किसी बात की खबर नहीं है सर, सर आप नहीं जानते नजारा बदल चुका है, अब पहले की तरह रोज की तरह नहीं रहा है सर सब कुछ। दीक्षित तुम क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई अगर बात है तो तुम मुझे साफ साफ बताओ। सर शोमित दा ने ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया है। सर शोमित दा ने ये ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया है और उन दोनों के बीच पहले से ज्यादा भाईचारा नजर आ रहा है सर मुझे। क्या? Oh my God, शोमित, शोमित दोबारा ऑफिस में आ गया? जी सर, सर मुझे तो अपना सारा प्लान बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है सर। अभी दीक्षित चौरे सर का फोन है, अब मैं क्या करूं, लगता है मेरी नौकरी खतरे में आ गई, तेरे बहकावे में आकर कल मैंने पता नहीं शोमित सर के बारे में क्या नाप छाप कह दिया उनके सामने, अब मेरा क्या होगा भगवान, मैं क्या करूं। सर आप फोन तो रिसीव कीजिए, सर मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है सर, मनीष ने मुझे बुलाया, मैं आता हूँ सर। अरे हेलो, जी सर, हाँ मैं आता हूँ सर, हाँ मैं ऑफिस में हूँ, मैं आता हूँ आपके पास। ओके सर, मैं आपसे मिलने के लिए आता हूँ। ओके बड़ा कह रहा था कि मेरी मदद करेगा, मेरा साथ देगा, पहली ही मुसीबत में मेरा साथ छोड़कर चला गया।
मैं क्या करूं? लगता है शौर्य सर ने मुझे नौकरी से निकालने का फैसला ले लिया है। तो केवल मुझे भगवान ही बचा सकता है। भगवान मुझे बचा लेना। हाँ, प्लीज। वाओ। कुणाल, मैं मैगजीन पढ़ रही थी ना। तुम यहाँ मेरे साथ टाइम स्पेंड करने आई हो या मैगजीन पढ़ने आई हो? तुम्हें पता है मैं हमारी मैरिज के लिए इसमें ड्रेसेस देख रही थी। देखो ये देखो कितनी सुंदर है ना? और ये वाली देखो इसका कलर। कुणाल देखो ना कितनी सुंदर है ना? ये देखो दिस इज माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। कुणाल मैं तुम्हें इतने प्यार से डिजाइन दिखा रही हूँ और तुम कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा। चलो शादी कर लेते। क्या? हाँ मुझे लगता है हमें अभी इसी वक्त शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा हमारी फैमिली के लोगों की मर्जी का क्या और शादी की तैयारी में जो इतना टाइम लगने वाला है उसका क्या? ऐसे कैसे कुणाल? तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम्हें अब मेरे साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं? कुणाल ये कैसे सवाल है? और नहीं तो क्या, साफ साफ बोलो। मैं जानता हूँ तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो चुका है और देखो अगर कुछ है ना ऐसा तो मुझे अभी बता। वो क्या है ना कि इस कुणाल कपूर को लाखों लड़कियां मिल जाएंगी और अगर तुम्हें शादी नहीं करनी मैं उनमें से किसी के भी साथ शादी कर लूंगा। कैसा ख्याल? अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो तुम किसी भी लड़की से शादी कर लोगे है ना? हाँ क्या प्रॉब्लम, इट्स अ नाइस आइडिया। हाँ एक्चुअली आइडिया काफी अच्छा है। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो तुम्हें मार डालूंगी। हाँ और फिर उस लड़की को मार डालूंगी, समझे तुम? देखो ऐसा करोगी तो तुम्हें अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजारनी होगी। मैं तुम्हें बेटर आइडिया देता हूँ, क्या है ना तुम भी अपनी जिंदगी आराम से काटना और मुझे और मेरी पत्नी को भी चैन से जीने देना। कैसे लगा मेरा आइडिया? कुणाल यूज़लेस, यूज़लेस। तो एक सेकंड, इधर इधर। नहीं नहीं, क्या? अगर तुमने मेरे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोचा ना तो देखो सुनो मेरी बात तो सुनो, मैं तो तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर कल को तुमने अपना इरादा बदल दिया तो? मेरा इरादा मैं बदलूंगी? अच्छा तो क्या करोगे तुम? सारी जिंदगी कुंवारा बैठा रहा। तारा मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम की है, मेरी हर सांस में सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है, अगर तुम नहीं तो और कोई नहीं। पेश करते हैं 10 रुपए भाड़ा। सर आपने मुझे बुलाया? आओ जगजीत। सर मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे इस नौकरी से मत निकालिए सर, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद मेरे मुंह से शौमित सर के खिलाफ एक भी शब्द नहीं निकलेगा सर, एक भी शब्द। मैं आपसे वादा करता हूं सर, बस मुझे इस नौकरी से मत निकालिए, मेरे करियर का सवाल है सर। एक बड़ी कंपनी से पहले ही निकाला जा चुका हूं, अब अगर आपने भी मेरे साथ वैसा ही किया तो मुझे कोई नौकरी नहीं देगा, मैं कहीं भी काम नहीं कर पाऊंगा सर। मैं जानता हूं सर मैंने जो कुछ भी कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यू आर राइट जगजीत, तुमने जो कुछ भी कहा वो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम जरूरत से ज्यादा ही बोलते हो? सर अगर आपको ऐसा ही लगता है
तो ऐसा ही सही। तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। अगर तुम अपने काम पर ध्यान दोगे तो मुझे तुम्हें नौकरी से निकालने के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। मैंने तुम्हें इस कंपनी में एक मकसद के लिए अपॉइंट किया है, तुम्हें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि इस कंपनी के मालिकों के पर्सनल रिलेशंस के बारे में। खैर, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन इसे तुम्हारी आखिरी भूल समझकर माफ किया है मैंने। तुम वो पहले शख्स हो जिसे खुद को साबित करने के लिए इतने मौके दिए हैं मैंने। याद रखना, आगे से जो भी कदम तुम उठाओगे बहुत संभल कर उठाना होगा तुम्हें। अगली बार कोई भी भूल हुई तो तुम्हें माफी नहीं सजा मिलेगी, समझे तुम? जी हाँ सर। वैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर एक काम को अंजाम देने के लिए बुलाया था। इसका मतलब आप मुझे नौकरी से निकालने वाले नहीं थे? नहीं, लेकिन तुम्हें वार्निंग जरूर देना चाहता था। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अब आप मुझे जो भी काम सौंपेंगे ना, देखेगा मैं उसे किस तरह पूरा करता हूँ। मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा सर, कोई भी मौका। यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। वैसे अग्रवाल खानदान के जो छोटे बेटे का क्या नाम बताया था तुमने? अजय अग्रवाल सर। जो खबर तुमने मुझे दी थी उस खबर को अंजाम देने का वक्त आ गया है। समझ गया सर, बहुत अच्छी तरह से समझ गया। आप उसकी पागलपन की खबर को एक ब्रेकिंग न्यूज बनाना चाहते हैं, एक सेंसेशनल न्यूज, है ना सर? गुड जगजीत, वेरी गुड। इतनी मुश्किल बात तुम इतनी जल्दी समझ गए। गुड, जाओ और इस नए काम को अंजाम देने की शुरुआत करो। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, इस बार अगर तुमसे गलती हुई तो तुम्हारी नौकरी गई, समझो? समझ गया सर। क्या मुसीबत है, नौकरी करता हूं इनकी, कोई अपनी आत्मा तो गिरवी नहीं रखी है ना इनके पास। जो आते जाते हर कोई अपना रौब जमाने लगता है मुझ पर। काम करना तो मेरी मजबूरी है, मेरा बस चले शौर्य प्रताप सिंह तो तुम्हें अपनी जगह पर खड़ा कर दूं और खुद तुम्हारी जगह आराम से हत्या लूं, आराम से। लेकिन मेरा बस चलता नहीं है ना। रवि अग्रवाल, आज हमारी जंग एक नया मोड़ लेने वाली है। अब तक तो मैंने सिर्फ तुम्हें बिजनेस में मारती है, लेकिन अब मैं तुम्हारे भाई को मुहरा बनाकर मैं तुम पर वार करूंगा, तुम्हारे अहंकार पर, तुम्हारे खानदान के सिर पे मैं इतने सवाल खड़े कर दूंगा कि उनका जवाब देना नामुमकिन हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम्हें भी मैं उसी जिल्लत का एहसास करवाऊंगा जो तुम्हारे बाप ने मेरी माँ की जिंदगी में लिख दिए थे। हजारों सवालों के बीच खुद एक सवाल बनकर रह गई थी मेरी माँ। तुम्हारे परिवार को भी उस दौर से गुजरना होगा और वो तकलीफ सहनी होगी जो तुम्हारे पिता ने मेरी माँ के हिस्से में लिख दी थी। आज से तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में होगा और मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि तुम्हारे भाग्य में सिर्फ अंधेरा होगा, सिर्फ अंधेरा।
खिलाफ कि मैं धनंजय के साथ